हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, पहले सेशन शुरू होने के पहले बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में हमने अभी लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली, आज भी हम ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही, लेट चाइल्डहुड पीरियड में ही कुछ बातें आगे करेंगे उन बच्चों के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि जो चिल्ड्रन का गैंग होता है, जो ग्रुप होता है, जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ फॉर्म करते हैं और उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जो उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमने पिछले कुछ वीडियोस में ली थी। आज हम ये जानकारी लेंगे इस सेशन में कि जो लेट चाइल्डहुड में ओल्डर चिल्ड्रन के कंपेनियनशिप के बारे में जानेंगे कि कंपेनियंस इन लेट चाइल्डहुड किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से बच्चे अपने फ्रेंड्स, प्लेमेट्स, कंपेनियंस, ये सारे इन सबको बनाते हैं और किस तरह से उनके साथ उनका बिहेवियर होता है या बॉन्डिंग होती है। आज इस सेशन में हम उनके कंपेनियंस के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एंड ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोचक होने वाली है ये सेशन। तो प्लीज़ आई होप दैट विल स्टिल रिमेन इन द सेशन टिल द लास्ट टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड वन थिंग मोर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियो। सो चलिए, अब इसी के साथ विल बिगिन विद द सेशन। कंपेनियंस इन लेट चाइल्डहुड मे बी एसोसिएट्स हो सकते हैं, प्लेमेट्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में भी, जैसे हमने बताया था कि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनके भी कुछ एसोसिएट, प्लेमेट्स और फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी प्रकार से ओल्डर चिल्ड्रन के भी जो कंपेनियंस होते हैं वो एज अ एसोसिएट, एज अ प्लेमेट्स या फिर फ्रेंड्स के रूप में कंपेनियनशिप और कंपेनियंस ओल्डर चिल्ड्रन बनाते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन अनलाइक यंगर आर रेयरली सेटिस्फाइड विद एसोसिएट। जैसे कि यंगर चिल्ड्रन भी एसोसिएट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहते, ओल्डर चिल्ड्रन का भी वही हाल रहता है। टू फिल देयर सोशल नीड्स कंपेनियंस मस्ट प्ले द रोल ऑफ प्लेमेट और फ्रेंड। तो एसोसिएट से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है बच्चों को, जो उनकी सोशल नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनको उनके हम कह सकते हैं जो भी चाइल्ड या जो भी अदर चिल्ड्रन जो एज अ प्लेमेट का रोल करता है या फ्रेंड का रोल करता है, उससे उनको अपनी सोशल नीड्स फुलफिल होती नजर आती है। व्हाइल ओल्डर चिल्ड्रन मे हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद सम ऑफ द गैंग मेंबर्स देन विद अदर्स। और ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होता है कि जो गैंग मेंबर होते हैं पूरे, उसमें से कुछ के साथ उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे होते हैं रदर देन द अदर मेंबर्स एंड दे रिगार्ड देम एज फ्रेंड्स। तो वो उन्हीं ऐसे जिनके साथ, जिन मेंबर्स के साथ उनका रिलेशनशिप काफी बॉन्ड काफी अच्छा होता है, उनको वो एज अ फ्रेंड रिगार्ड करते हैं। दो दे ऑल्सो फिल द रोल ऑफ प्लेमेट्स, और वही फ्रेंड्स जो है प्लेमेट्स का भी रोल प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो बॉयज टेंड टू हैव मोर एक्सटेंसिव पीयर रिलेशनशिप्स देन गर्ल्स। बॉयज का बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ही वृहद बड़े दायरे में उनका पीयर रिलेशनशिप होता है एज कंपेयर टू द गर्ल्स। दे प्रेफर टू प्ले विद ग्रुप्स रेदर देन विद वन और टू अदर बॉयज। वो ग्रुप में प्रेफर करते हैं खेलना, ना कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद वन और टू बॉयज। और अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें, अदर देन देखें, तो गर्ल्स की जो सोशल रिलेशनशिप्स होती है आर मोर इंटेंसिव। बॉयज की एक्सटेंसिव होती है एंड गर्ल्स की इंटेंसिव होती है। एंड वो क्या करते हैं, दे सेंस द प्ले मोर विद वन और टू गर्ल्स रेदर देन विद अ ग्रुप। और यहाँ पे उल्टा होता है, गर्ल्स जो है एक या दो गर्ल्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करती हैं रेदर देन इन द ग्रुप। Many factors influence older children's choice of friends. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ओल्डर चिल्ड्रन के चॉइस ऑफ फ्रेंड्स को इफेक्ट करते हैं, जैसा कि दे चूज दोज दे परसीव एज सिमिलर टू देम सेल्स एंड दोज हु मीट देयर नीड्स।
तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो ऐसे दोस्तों को चुनते हैं तो जो कि जिनको वो परसीव करते हैं कि वो उन्हीं के सिमिलर सिमिलर हैं और जो उनके नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं या सक्षम है करने में. बिकॉज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस अफेक्ट्स फर्स्ट इम्प्रेशंस, चिल्ड्रेन टेंड टू सिलेक्ट एज प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स दोज हु आर अट्रैक्टिव लुकिंग. उनके लिए जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है और फिर उसी से वो इंडल्ज होके अपने फ्रेंड्स या प्लेमेट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि बहुत लुक्स में अट्रैक्टिव होता है. इसी के प्रोपोर्शनली देखें तो इन द स्कूल और नेबरहुड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओल्डर चिल्ड्रेन आर लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया फ्रॉम विच टू सिलेक्ट देयर कंपेनियंस. तो क्या होता है कि उनका बहुत लिमिटेड एरिया होता है जहाँ से उनको अपने कंपेनियंस या फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है. इसलिए उनके लिए स्कूल और नेबरहुड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जहाँ से उनको उनके कंपेनियंस, फ्रेंड्स, प्लेमेट्स का चॉइस मिल सके. देयर इज अ स्ट्रांग टेंडेंसी फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन टू चूज देयर कंपेनियंस फ्रॉम देयर ओन ग्रेड्स इन स्कूल. स्कूल में भी उनके पास मतलब ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ये स्ट्रांग टेंडेंसी होती है कि वो अपने ही ग्रेड्स में से, जिस ग्रेड में वो हैं वहाँ से ही अपने लिए कंपेनियंस को चूज करें. एंड एट ऑल टाइम्स कंपेनियंस ऑफ देयर ओन सेक्स. और हमेशा वो ये थॉट में रहते हैं कि जो भी वो कंपेनियन चूज करें वो उन्हीं के सिमिलर सेक्स का हो. आर सिलेक्टेड रेदर देन कंपेनियंस ऑफ द अपोजिट सेक्स. तो वो अपोजिट सेक्स के बजाय सेम सेक्स के कंपेनियंस को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं एज अ फ्रेंड और प्लेमेट्स. पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन द चॉइस ऑफ कंपेनियन. कंपेनियंस की चॉइस में पर्सनैलिटी ट्रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. वेदर दे प्ले द रोल ऑफ प्लेमेट्स और फ्रेंड्स, चाहे वो रोल प्लेमेट्स का अदा करें या फ्रेंड्स का करें. ओल्डर चिल्ड्रेन वैल्यू क्या क्या चीज़ें पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ओल्डर चिल्ड्रेन को ज़्यादा वैल्यू करती हैं, वो एज अ कंपेनियन किस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट के अदर चाइल्ड को अपना एज अ कंपेनियन चूज करना चाहते हैं. द चाइल्ड हु वैल्यू चीयरफुलनेस, फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेटिवनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, जेनरोसिटी, इवन टेम्पर्डनेस एंड गुड स्पोर्ट्समैनशिप इन देयर प्लेमेट्स एज वेल एज इन देयर फ्रेंड्स. तो इस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो एक बच्चा दूसरे बच्चे के अंदर एज अ कंपेनियन खोजता है कि इस तरह के जिसके अंदर होगा उसको वो एज अ फ्रेंड या प्लेमेट्स एज अ कंपेनियन चूज करेंगे. एज चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज, चिल्ड्रेन शो अ प्रेफरेंस फॉर कंपेनियंस विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक, रेशियल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स. और जैसे जैसे चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आता है, खास करके लेट चाइल्डहुड पीरियड, तो वहाँ पे चिल्ड्रन का ज़्यादा ये प्रेफरेंस दिखने लगता है कि वो एज अ कंपेनियन उन्हीं लोगों को चूज़ करना चाहते हैं जो उनके सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से मैच करें, रेशियल स्टेटस से मैच करें या फिर रिलीजियस बैकग्राउंड से मैच करें. तो इस तरह के चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर और इस तरह की चॉइस उनकी हो जाती है एज द चाइल्डहुड पीरियड कम्स टू एन एंड. दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ फ्रेंड्स. और खास करके फ्रेंड्स चुनने में एज अ कंपेनियन फ्रेंड्स चुनने में ये टेंडेंसी ये ज़्यादा देखी जाती है ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर. तो इस तरह से इस सेशन में हम समझ पाए कि कंपेनियंस चूज करने में किस तरह के कंपेनियंस होते हैं एज अ एसोसिएट्स, प्लेमेट्स और फ्रेंड्स. स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन प्लेमेट्स और फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू द एसोसिएट्स, जिससे वो खुल के मतलब अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. और किस प्रकार से, किन किन चीज़ों के आधार पे बच्चे अपने कंपेनियंस को चूज़ करते हैं, ये सारी जानकारियां हमने इस सेशन में ली. एंड आई होप दैट यू विल बी हैप्पी विद द इंफॉर्मेशन. एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक. एंड स्टिल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेटर ऑन ऑल्सो. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो विद गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. एंड टिल देन प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.